मैं हूँ डिकेट्रिट। तो आज मैं जा रहा हूँ ढोलकल गणेश, यह परसपाल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज मैं आया हूँ जागृति चैलेंज, जा रहे हैं आज ढोलकल गणेश। एक्चुअली हम लोग रोड भटक गए हैं, इसलिए एक पहाड़ को पार करके दूसरे पहाड़ पे, जहाँ पे ढोलकल गणेश है, जो 2,500 फीट की ऊंचाई पर है, जो 10वीं शताब्दी का मंदिर है, जा रहे हैं हम लोग। और हमारे पास तो कोई गाइड नहीं है, इसलिए हम यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। कितना रुपए का है भाई? 10 रुपए का। बहुत ही मुश्किलों से मिलने वाला ये फल जो है, ये सिर्फ जंगलों में मिलता है 4 फल। और आज हम 4 फल जो है वो खाते हैं और बताते हैं कैसा लगता है। तो कैसा लग रहा है ये फल? बहुत ही मीठा है, खट्टा मीठा इसका टेस्ट है और बहुत मजा आ रहा है खाने में। छोटे छोटे बच्चे लोग इसको बेच रहे हैं, ये 10 रुपए का है और बहुत टेस्टी है। इस साल में एक बार मिलने वाला फल है जो बहुत ही रेयर मिलता है और बहुत ही टेस्टी रहता है। अगर आप बस्तर आते हैं तो ये 4 फल जरूर खाएं। जंगल में शिकार करते हुए भैया लोगों को हम देख रहे हैं, जो बड़े बड़े तीर कमानों के साथ। गणेश वाला जो रोड है उस पर, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, ट्रैकिंग करते हुए हमें करीब 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो अभी कोई रास्ता नहीं बना है, इस कारण ये बहुत ही थकान भरा रहता है। अगर जब भी आप ऊपर जाते हैं तो कोई लकड़ी का सहारा लें, या एनर्जी ड्रिंक रखे, या पानी रखे, या और लोकल गाइड रखे। और आज तो हम लोग जब ऊपर जा रहे हैं तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ जानवरों को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे शिकारी टाइप से रखे हुए हैं भैया लोग, ये औजार वगैरह, औजार वगैरह वगैरह। और ये जो है बहुत ही बेहतरीन ट्रैकिंग रहा आज का। और हमारे साथ है भैया, हमारे पीछे हमारे गाइड हैं, गाइड हैं, और हमको लेके जा रहे हैं ढोलकल गणेश। और अभी आगे का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको जल्दी बताता हूँ, चलिए चलते हैं। ಹಾಂ, ಮುಂದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಂದಿರ ಗ್ರೀನ್ಸ ಹತ್ತಗಲೆ ಆಗವು ಮಠದ ಕುರು ಕಲ್ದೆ ಮುಂದೆ ಈಟ ಮಾಡ್ತ ಮಂದಿರ. ಹಾಂ, ಈಗ ಲೋನ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಮಾನಿವಾಸರ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ಸ ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಗಲ್ ಆ ಗಂಜ ಕಲ್ದೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ. आज हम पहुंच चुके हैं ढोलकल गणेश, जिसका सफ़र बहुत खतरनाक भी था, अच्छा भी था। आज हम भैया के साथ आए हैं। भैया आपका नाम? गोपीराम। गोपीराम नाम है। आना तो आसान नहीं था क्योंकि इसके 2 रास्ते हैं। एक में हम लोगों को गाइड मिलते हैं जो स्व सहायता समूह के, उनकी एक टीम है, लेकिन उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छा रहा कि हम भैया के साथ आए। भैया ने हमको शॉर्टकट रास्ते से घुमाते हुए लाए और एडवेंचर के लिए हमको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों को दिखाया, कैसे शिकार किया जाता है। पानी का बॉटल थोड़ा इंटरेस्टिंग था इनका, जो लटका के लाए थे। हमारा पानी तो गर्म हो चुका था, भैया को बहुत काफ़ी ठंडा पानी था। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो पहाड़ है और जो पहाड़ियों का ये जो दिख रहा है आप लोगों को इतना डेंजर है, उसमें भैया ने हमको बताया कैसे चढ़ना है, सपोर्ट करते हुए सुरक्षित लाए। और यहाँ पर बहुत मज़ा आया। ऊपर से आ रहे हैं अब नीचे, और बीच में फिर रुके हैं पानी पीने के लिए।
तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ढोलकल का वो बहुत ही बेहतरीन था और बहुत मज़ा आया, और ख़तरनाक चढ़ाई था वो भी बहुत अच्छा लगा। और मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि कैसा लगा, मैं तो अभी आने वाले वीडियोस में सब कुछ बताऊँगा ही, तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। हे गाइस, व्हाट्स अप, बढ़िया बने बने लोकली कमान। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो यहाँ काफ़ी पहाड़, काफ़ी उतार चढ़ा रहा, और एक्सपीरियंस में क्या बताऊँ, बहुत ही बेहतरीन था। और ये ऐसे तो मुझे खतरों से खेलना बहुत पसंद है, बट ये कुछ अलग यूनिक था। और यहाँ आप, मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ ज़रूर आएँ, और ख़ासकर मेरे दोस्त को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं ये बोलना चाहूँगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, यदि आप डिस्कवरी चैनल में देखते हैं किसी को ट्रैकिंग करते हुए विदेशों में जिनको देखते हैं, तो उन सबको पीछे करने वाला कोई जगह है ढोलकल गणेश है। आप यहाँ एक बार आके देखिए, उसके बाद आप ज़रूर बोलेंगे कि हमको किसी विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद में यदि 100% एडवेंचर करना है, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो एक बार ढोलकल गणेश ज़रूर आएँ और अपनी एक्सपीरियंस खुद भी शेयर करें। थैंक यू।